दोस्तों जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने बीएससी एरोनॉटिक्स एंड मैकेनिकल एविनिक्स की सेकंड लिस्ट को डिक्लेयर कर दिया है। अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया था तो आप अपनी सेकंड लिस्ट को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी फॉर्मेलिटीज़ को, आपकी क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है, आपको क्या क्या पूरी करनी होगी और आपका इसमें कट ऑफ कितना गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आप यहां पर कोर्स नेम देख सकते हैं बीएससी एंड मैकेनिकल एविनिक्स, आप कोर्स यहां पर नेम देख सकते हैं। सेकंड लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, बात करते हैं फॉर्मेलिटीज़ की। आप यहां पर देख सकते हैं एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ में आपको जो पूरी करनी होगी सभी फॉर्मेलिटीज़ आपको 15 तारीख से 16 तारीख के बीच में आपको पूरी करनी होगी। इन द ऑफिस ऑफ द डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको जाना होगा। जैसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपका सर्टिफिकेट, आप जैसे मुस्लिम या PWD, आपका जिससे भी आप बिलोंग करते हैं आपका वो सर्टिफिकेट आपको सभी ले जाने होंगे, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट लिस्ट की बात करते हैं, बहुत सारी कमेंट्स आती रहती हैं आपकी नेक्स्ट लिस्ट कब आएगी। तो आपकी अगर नेक्स्ट लिस्ट आती है, अगर आपकी सीट्स खाली रहती है तो आपकी जो लिस्ट आएगी वो आपकी 22 यानी 22 तारीख तक आ सकती है। आइए बात करते हैं आपकी कट ऑफ की। यहाँ पर आप कट ऑफ देख सकते हैं, जनरल का यहाँ पर जो कट ऑफ है वो यहाँ पर 21.25, मुस्लिम 20.25, मुस्लिम ओबीसी एसटी 20.25, मुस्लिम विमेन 15.75। अब दोस्तों अब बात करते हैं हम एविनिक्स के बारे में। आप यहाँ पर उसकी भी कट ऑफ देख सकते हैं, जनरल का जो यहाँ पर कट ऑफ है वो 21.50, मुस्लिम 20.75, मुस्लिम ओबीसी एसटी 20.50, मुस्लिम विमेन 20.50, जाम इंटरनल 21। आप यहाँ पर उनकी लिस्ट देख सकते हैं। दोस्तों अगर अभी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।